दोस्तों, आने वाले 100 दिनों के अंदर आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में कुछ ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके ट्रेन में ट्रैवल करने का जो एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल बदल कर रख देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के इलेक्शन हमें 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और इंडियन रेलवे के द्वारा बताया गया कि लोकसभा की ये इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद आने वाले अगले 100 दिनों के अंदर इंडियन रेलवे सेक्टर में काफी बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। और दोस्तों, इन सभी बड़े बदलावों की जो जानकारी है वो इंडियन रेलवे के द्वारा जारी की जा चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आने वाले अगले 100 दिनों में इंडियन रेलवे सेक्टर में नई टिकट रिफंड स्कीम देखने को मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका टिकट कैंसिल हो जाने के बाद जो आपके टिकट का रिफंड है वो 24 घंटों के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आपका कोई टिकट कैंसिल होता है तो उसके पैसे वापस आने में 3 दिन से लेकर 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन इस नई टिकट रिफंड स्कीम में ऐसा बताया गया कि इस नई स्कीम के अंडर आपको 24 घंटों के अंदर रिफंड की गारंटी दी जाएगी। और नंबर 2 पर दोस्तों, यहाँ पर एक सुपर ऐप को लॉन्च करने की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे से जुड़ा एक ऐसा ऐप देखने को मिलेगा जिसको सुपर ऐप के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इस एक सुपर ऐप के द्वारा आप ट्रेन की बुकिंग कर पाओगे और टिकट कैंसिलेशन से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग भी कर पाओगे। इसके अलावा इस सुपर ऐप के द्वारा आप ट्रेन से ही खाना भी ऑर्डर कर पाओगे, यानी कि ये सुपर ऐप कुल मिला के आपके सभी प्रकार के काम जो कि ट्रेन से जुड़े होंगे उनको कर पाएगा। इसके अलावा नंबर 3 पर एक इंश्योरेंस स्कीम को भी लॉन्च किया जाने वाला है। बेसिकली ये एक प्रकार से बीमा स्कीम होगी और इसको पीएम रेल यात्री बीमा योजना बोला जा रहा है, जो कि ट्रेन में ट्रेवल करने वाले सभी पैसेंजर को प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर ट्रेन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या फिर कोई एक्सीडेंट देखने को मिलता है तो इस पीएम रेल यात्री बीमा योजना के अंडर आप इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा इस 100 डे प्लान में ऐसा बताया गया कि इंडियन रेलवे को पूरी तरह से बदलने के लिए आने वाले 5 सालों में 10 लाख से लेकर 12 लाख करोड़ रुपए इंडियन रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसके द्वारा आपको न केवल इंडियन ट्रेन में बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बातें वंदे भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन को लेकर भी कही गई। बेसिकली ऐसा बताया गया कि आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। और ऐसा बताया गया कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में 2029 में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये 100 दिन का प्लान लॉन्च किया गया है, लोकसभा के इलेक्शन के खत्म हो जाने के बाद ही इस 100 दिन के प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया जाएगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।